पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी व यातायात निरीक्षक सुनील कुमार सिंघाल ने मैं यातायात उपनिरीक्षक व यातायात पुलिस द्वारा यातायात तिराहा विश्वविद्यालय चौराहा आरटीओ ऑफिस रोड पर टू व्हीलर फोर व्हीलर थ्री व्हीलर तथा बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान डग्गा मार वाहनों में खलबली मच गई। टू व्हीलर पर जो चालक हेलमेट नहीं लगाए थे तथा दो से अधिक सवारी बैठाकर चल रहे थे उनका चालान किया गया। फोर व्हीलर में चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए थे उनका भी चालान किया गया। इसके अलावा बसों को निर्धारित पार्किंग में ना खड़ा करके जगह जगह रोड के किनारे खड़ा करके यातायात बाधित कर रहे थे उनका नो पार्किंग चालान किया गया। इस दौरान यातायात पुलिस ने कुल 200 से अधिक वाहनों का चालान किया तथा लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, उसका भी करो उसका नहीं है।
ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष रूप से जो बसें हैं ये बिना पार्किंग के ही इधर उधर सब खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बिना पार्किंग स्थल के जो यत्र तत्र जो है अपने वाहनों को खड़ा करते हैं, ऐसे वाहनों के विरुद्ध, बसों के विरुद्ध आज ये अभियान जो है यातायात पुलिस के द्वारा चलाया गया, जिससे निर्धारित स्थल पर ही, पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें और जो है ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। सर देखा जाए तो अभियान मतलब लगातार ट्रैफिक पुलिस चलाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये सभी में बस चालकों से और जो बस के मालिक हैं, ये मेरा अनुरोध है कि वो सभी अपने चालकों को विशेष रूप से बताएं कि निर्धारित जो है जो पार्किंग स्थल है वहीं पर ही अपने वाहनों को खड़ा करें, और सवारियां भी जो निर्धारित स्थल हैं, जो नगर निगम के द्वारा चिन्हित स्थल हैं, उन्हीं स्थलों से ही सवारियों को बैठाएं। जिस किसी जगह पर भी जहां पर कोई पार्किंग नहीं है या सवारियां बैठाने का चिन्हित स्थल नहीं है, वहां से सवारियों को न बैठाएं, जिससे हमारा ट्रैफिक ठीक चलता रहे और जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। और साथ ही साथ जो अन्य वाहन हैं जो सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सीट बेल्ट का, विशेष रूप से जो चार पहिया वाहन हैं, वो चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें, चालक के बगल में बैठने वाला आगे की जो है वो भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और दो पहिया वाहन में सभी लोग जो है हेलमेट का जरूर दोनों सवारी करें, चाहे पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति हो चाहे अगली सीट पर बैठा व्यक्ति हो, हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। ट्रैफिक लाइट लगी हुई हैं, उन ट्रैफिक लाइट का भी पालन करें, और जो हमारी जेब्रा लाइन है, स्टॉप लाइन है, ये बनाई गई हैं, इनका भी सभी लोग पालन करें, और ट्रैफिक के नियमों का यदि पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे गोरखपुर जनपद की यातायात व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी और आम नागरिकों को विशेष राहत मिलेगी और ट्रैफिक भी बड़ी स्मूथली रेगुलेट होता रहेगा।